हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता चौहान और मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से एक चैप्टर लाई हूँ, जिसका नाम है द ट्राइफ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा हुआ लेसन है ये, और ये जेम्स हैरियट का घर है। आप देख सकते हैं ये नेम प्लेट है जो यहाँ पर लगी हुई है उनके घर के, ये आपके लिए लाई हूँ मैं। द ट्राइफ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट, और ये वीडियो नंबर 1 है। आइए आपको थोड़ा ऑथर के बारे में जानकारी दे दूँ। जेम्स हैरियट वाज ए ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर। जेम्स हैरियट ब्रिटिश राइटर होने के साथ साथ एक जानवरों के डॉक्टर भी थे। ही वाज बॉर्न ऑन October 3, 1916 एट सन्डरलैंड इन यूके, और इनका जन्म सन्डरलैंड यूके में एक शहर है सन्डरलैंड, वहाँ पर 3 अक्टूबर 1916 में हुआ। ही डाइड ऑन February 23, 1995 इन यूनाइटेड किंगडम्स, और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1995 में यूनाइटेड किंगडम्स में हुई। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल इन 1972, और ये अपनी एक बुक के लिए जिसका नाम ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल है उसके लिए बहुत ही मशहूर हुए जाने जाते हैं, और यह बुक 1972 में प्रकाशित हुई। ही लव्ड एनिमल्स एंड चिल्ड्रन मोस्ट एंड रॉट सेवरल बुक्स ऑन देम। ये जानवरों से और बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे, और इन्होंने कई किताबें बच्चों पर और जानवरों पर लिखी। आइए शुरू करते हैं अपने टेक्स्ट। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं इस बार रिकी के लिए बहुत ही चिंतित था, और मैंने अपनी कार रोक ली जब मैंने गली में उसे अपनी मालकिन के साथ देखा। And I was shocked at his appearance, और मैं रिकी की अपीयरेंस को देखकर बहुत ही चौंक गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने रिकी को देखा। आई हैड बिकेम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और वह इतना मोटा हो चुका था कि वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, एक फूले हुए कबाब की तरह लग रहा था जिसकी चारों तरफ टांगे हों। हिज आईज ब्लड शॉट एंड ड्रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी आंखें जो थी वो खून जैसी, खून से भरी हुई, बिल्कुल लाल थी और पानी से भरी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट और सामने देख रही थी वो एक टक, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से नीचे लटकी हुई थी। यहाँ पे ब्लड शॉट मीन्स रेड, र्यूमी वाटरी आइज पानी से भरी हुई, एंड लॉर्ड मीन्स हंग लटकी हुई। मिसिस पेम्फ्रे हैज सेंट टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और मिसिस पेम्फ्रे जो उसकी मालकिन थी जिनके साथ वो गली में था, वो मुझे जल्दी में बताती है मिस्टर हैरियट वो अब ट्रिकी जो है कुत्ता, छोटा कुत्ता है ट्रिकी, वो अब बिल्कुल लेजी हो चुका है, उत्साहहीन हो चुका है। एंड ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें कोई एनर्जी ना रही हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और मुझे लगता है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है, और इसलिए मुझे उसे जो खाने का उसका बंधा हुआ 3 समय का खाना है उसके बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा फूड उसको देना, मैं देती रही हूँ उसको, ताकि वो शरीर उसका दोबारा से एनर्जी भर जाए, उसके शरीर में दोबारा से उसका शरीर मजबूत हो जाए। तो मिसेस पेम्फ्रे यहाँ मिस्टर हैरियट को बता रही हैं कुत्ते की स्थिति के बारे में। Some milk and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. और कहती है मिसिस पेम्फ्रे कि मैं कुछ सम माल्ट्स, कुछ जो देती रही हूँ इसको, एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक मछली होती है जिसके लीवर का तेल, इसको देती हूँ
एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात को सोने के समय, सोने से पहले इसको एक कटोरा बाउल भर के, एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि इसको रात की नींद ठीक आ सके, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पैम्फ्रे से, क्या आपने ट्रिकी का मीठा खाना बंद किया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका वो मीठा बिल्कुल बंद कर दो, क्या आपने वो मीठा बंद किया इसका? ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। और कहती हैं कि हाँ थोड़े समय के लिए मैंने किया, परंतु मुझे वो इतना वीक लगा, इतना कमज़ोर लगा कि मुझे फिर पछताना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और उसे चॉकलेट केक्स और क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद है उसे कि मुझे उसे मना नहीं किया गया मेरे से, उसे मैं उसे बिना दिए नहीं रह सकी। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकी उन चॉकलेट के लिए और क्रीम केक्स के लिए, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. और मैंने उसको छोटी कुत्ते को फिर से देखा, नीचे झुककर, उसको ऐसे झुककर नीचे देखा, तो ट्रिकी का यही एक मुश्किल थी। ट्रिकी का सिर्फ एक ही दोष था, वह उसका लालच था। He had never been known to refuse food. और वह कभी भी खाने को मना करना नहीं जानता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. और वो कभी भी रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, किसी भी समय वो खाने को मना नहीं कर सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pelfrey hadn't mentioned. और मैं उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों को सोचकर आश्चर्यचकित था कि जो मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे अभी तक नहीं बताई थी। Are you giving him plenty of exercise? तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पैम्फ्रे से, क्या आपने ट्रिकी को अधिकतर एक्सरसाइजेस कराई, जो मैंने आपको पहले कहा था कि एक्सरसाइजेस कराओ उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आपने वो कराई है? Well, he has his little walks with me, as you can see. और मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं कि हाँ थोड़ी बहुत, जैसे आप देख सकते हो, ये मेरे साथ छोटी छोटी अपनी वॉक्स करता है, मेरे साथ घूमने जाता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जैसे कि मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, वो सफ़र कर रहा है, बीमार है, वो पीड़ित है लम्बैगो से, लम्बैगो पेन होता है बैक में, लोअर बैक में, तो उससे जैसे कि वह पीड़ित है, तो इसका जो छल्ला फेंकने की गेम है वो आजकल नहीं हो पा रही। आई ट्राई टू साउंड स्वीयर, और मैंने अपनी कठोरता बनाए रखी। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं अब बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट दी हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। और मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं इस बार बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर आपने इसका खाना कट नहीं किया और इसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं कराई, तो अब की बार ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा, अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, और ट्रिकी का खाना जो है, उसकी जो डाइट है, उसको खाने में जो आप आहार देते हैं उसे स्ट्रिक्टली उसको आपको कम करना पड़ेगा। मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पैम्फ्रे जो है अपने हाथों को मरोड़ती हैं। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ मैं जानती हूँ, मैं पक्का सोच सकती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और वह अपना सिर नीचे कर कर सड़क पर चलने लगी।
as if determined to put the new regime, here regime means schedule, into practice immediately. और ऐसा लग रहा था जैसे वो जा रही थी नीचे सिर करके अपना, जैसे कि वो बिल्कुल अब पक्का निश्चय कर लिया हो उसने कि ये जो ट्रिकी का नया टाइम टेबल है उसका, खाने का जो शेड्यूल है वो आज ही से बिल्कुल अभी से वो इसको नए टाइम टेबल को, नए शेड्यूल को लागू कर देंगी उस पर. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं उसको जाता हुआ देखता रहा अपनी चिंता के साथ, जो चिंता मेरी गंभीर होती जा रही थी ट्रिकी के बारे में, कंसर्न जो था मेरा गंभीर हो रहा था, मैं उस चिंता के साथ उसको जाते हुए वहाँ से देखता रहा. ट्रिकी वाज टॉटरिंग, टॉटरिंग मीन्स वॉकिंग विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चल रहा था. अलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज. और ट्रिकी बड़ी ही मुश्किल से अपने जो उसने कोट पहन रखा था, उन्हीं मोटा कोट उसने पहन रखा था, उसके साथ बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था. वो कोट इतना हैवी था कि ट्रिकी उसका भार नहीं सहन कर पा रहा था. और ऐसे कोट्स ट्रिकी के पास बहुत सारे थे, एक अलमारी भरी हुई थी ट्रिकी के पास ऐसे कोट्स के से, और उसमें कुछ वेदर, कोल्ड वेदर के कुछ ठंड के कोट थे और कुछ बरसात के सीज़न के लिए भी कोट्स थे उसके पास. He struggled on dropping in his harness. Dropping in his harness means burdened with his belongings. जो उसने कोट पहन रखा था उसके भारीपन जो था कोट का, उससे वो दब रहा था. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphrey. और मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही Mrs. Pamphrey से कोई समाचार मिलेगा, कुछ मैं सुनूंगा मिसिस पैम्फ्रे से जल्द ही मैं उसके ट्रिकी के बारे में. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज. और जैसे कि मुझे अनुमान मैंने लगा लिया था कि मैं जल्दी ही मिसिस पैम्फ्रे से कुछ खबर सुनूंगा, तो वैसी ही कॉल मुझे कुछ ही दिनों में आ गई. मिसिस पैम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट. और मिसिस पैम्फ्रे जो थी वो बहुत ही दुखी थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी जो था वो कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और ट्रिकी इवन अपना जो फेवरेट फूड्स थे उसके वो भी रिफ्यूज़ कर रहा था खाने से, उनको भी मना कर रहा था. और इसके अतिरिक्त उसको बार बार उल्टियाँ हो रही थी. He spent all his time laying on a rug panting. और वो अपना पूरा समय एक कंबल पर या फिर नीचे जो रंग बिछा हुआ है, एक आप बोल सकते हैं उसको गलीचा या बिछा हुआ है, उस पर बैठ कर हाफते हुए वह सारा समय अपना निकाल देता था. ट्रिकी didn't want to go for walks. अब वो walks पे जाना पसंद नहीं करता था. didn't want to do anything. और कुछ भी करना पसंद नहीं कर रहा था. I had made my plans in advance. और जैसे कि मिस्टर हैरियट को अंदाज़ा हो गया था उसकी तबीयत ख़राब होने का, तो उन्होंने पहले से ही अपने कुछ plans बना लिए थे. तो वही बता रहे हैं कि I had made my plans, कि मैंने पहले से ही अपने plans बना रखे थे. The only way was to get Tricky out of the house for a period. और बीमारी से Tricky को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय मेरे पास था, वह था कुछ समय के लिए Tricky को उसके घर से दूर ले जाना. I suggested that he has to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और मैंने सजेस्ट किया, उनको सुझाव दिया मिसिस पैम्फ्रे को कि इसको, ट्रिकी को कुछ समय के लिए, कम से कम 2 सप्ताहों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में और कड़ी निगरानी में रखा जाए, जाना चाहिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फूंड. और जो गरीब बेचारी औरत मिसिस पैम्फ्रे थी वो यह बात सुनकर बिल्कुल ही एकदम बेहोशी की हालत में आ गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे.
और उनको लगता था कि अगर ट्रिकी उसको रोज नहीं देखेगा तो वो एक दिन बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा बिना देखे उसको। सफ़र करता हुआ धीरे धीरे तड़प तड़प कर वो मर जाएगा मिसिस पैम्फ्रे को बिना देखे। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय करके रखा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था उसको बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pemphrey's wailings. और मैंने सोचा कि यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि बिना देरी किए उसको वहाँ से ले जाया जाना चाहिए। And followed by Mrs. Pemphrey's wailing, I marched out the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैंने कुत्ते को, छोटे से उस कुत्ते को, ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट कर गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ मैं बढ़ा, और पीछे रोते रोते मेरे मिसिस पैम्फ्रे भी आ रही थी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैग्स, हिज नाइट पैड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एंड सपर बाउल। और सभी स्टाफ को, सारे स्टाफ को, मिसिस पैम्फ्रे के सारे स्टाफ को जगा दिया गया, उठा दिया गया, और मेड्स जो थी वो इधर उधर भाग रही थी, कोई उसका ट्रिकी का दिन के सोने का बिस्तर लेके आ रही थी, कोई रात के सोने का बिस्तर लेके आ रही थी, कोई बाउल रात के खाने का बाउल और लंच बाउल लेके आ रही थी, और वो सब इधर उधर भाग रहे थे, उनको अंदर बाहर लेकर भाग रही थी, अंदर से ले लेके बाहर आ रही थी वो। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और यह महसूस करते हुए कि इतना सामान मेरी कार में नहीं आएगा, मैंने अपनी कार चला ली। As I moved off, Mrs. Pemphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. और जैसे ही मैं कार लेके चला, थोड़ा सा मैंने कार चलाई अपनी, मिसिस पैम्फ्रे रोते हुए, एक डिस्प्राइंग क्राई करते हुए, एक निराशाजनक चीख मारते हुए, रोते हुए उन्होंने अपनी ऐसे बाजुओं में कोट भरकर खिड़की से मेरी कार में फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और जैसे ही मैं कोने से मुड़ने लगा तो मैंने शीशे में से पीछे देखा तो सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और सड़क पर जाकर मैंने अपनी, जैसे ही उस दयनीय स्थिति वाले कुत्ते को देखा, दयनीय उस बेचारे गरीब कुत्ते को देखा, वो जो कि मेरी सीट के बिल्कुल साथ बैठा था, मैंने उसको देखा और उस पर, उसके सिर को थपथपाया, ऐसे हल्का उस पर हाथ थपथपाया उसको हाथ से। आई पेटेड द हैंड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेज हिज टेल। और ट्रिकी ने, जैसे मैंने उसको ऐसे हाथ से थपथपाया, तो ट्रिकी ने अपनी बहुत ही बहादुरी के साथ एक एक्शन किया, उसने अपनी पूँछ हिलाई, और एफर्ट से, बड़ी ही ब्रेव एफर्ट से उसने बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी पूँछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। और मैंने कहा, बेचारे बूढ़े कुत्ते, तुम तो अपनी एक, मतलब तुम तो एक लात भी नहीं मार सकते, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। और जैसे ही मैं शैल्य कक्ष में पहुँचा, एट द सर्जरी, शैल्य कक्ष में पहुँच कर सभी जो घर के कुत्ते थे उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जैसे ही पहुँचते हैं मिस्टर हैरियट अपने सर्जरी में, तो सभी घर के कुत्ते उनको घेर लेते हैं, और ट्रिकी उस नॉइसी
जो शोर आ रहा था उस संघ में से, कुत्तों के झुंड में से, तो ट्रिकी उनको देखता है बिल्कुल डल आइज के साथ, नीरस आंखों के साथ। और जब मैंने उसे ट्रिकी को कारपेट पे रखा तो वो बिल्कुल मोशनलेस बिना किसी हरकत के वहाँ लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। और दूसरे कुत्तों ने कुछ देर उसको सूंघने के बाद, उसके चक्कर लगाने के बाद, उसको सूंघा पहले और फिर उसका चक्कर लगाया और डिसाइड कर लिया कि यह है तो एक बिना किसी इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट है, और वो उसको इग्नोर करके चल दिए वहाँ। वेयर द अदर डॉग स्लैप्ट, और मैंने एक बड़े ढीले ढाले डब्बे में उसका घर बना दिया जहाँ पे अन्य कुत्ते भी सोते थे रात को। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगले कुछ दिनों तक, टू डेज तक, मैंने उस पर कड़ी निगरानी रखी। आई केप्ट एन आई, मैंने उस पर कड़ी निगरानी रखी एंड गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी खाना नहीं दिया, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और दूसरे दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, और उसने शो किया थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना अपनी कुछ आसपास की चीज़ों में। सराउंडिंग्स होती है आसपास की चीज़ें, तो उसने अपनी आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा। तो ये वीडियो नंबर 1 यहीं पर समाप्त होती है। अपनी दूसरी वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।